हाय, मैं हूं मिस्टर इनायत और आप लोग का स्वागत करता हूं फिर से अपने इस नए वीडियो में। देखिए, आप लोगों के जो कमेंट्स आ रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा संख्या में कमेंट्स आ रहे हैं। बहुत सारे लोग रिप्लाई नहीं कर पा रहा हूं, तो उसके लिए हाथ जोड़ के क्षमा मांगता हूं। मगर आने वाले टाइम पे जब AI सिस्टम आ जाएगा हमारे यूट्यूब पे, ऑटो जो हमारे कमेंट का रिप्लाई करने का ऑप्शन आएगा, तो फिर आप लोगों को कमेंट का रिप्लाई भी हो जाया करेगा, खुद ब खुद सेट कर देंगे हम। लेकिन फिलहाल क्योंकि हम लोगों के दो हाथ हैं और बहुत सारे लोगों के हाथ हमारे तक बढ़ रहे हैं, मतलब कि काम करने के इच्छुक हो रहे हैं वो लोग, तो थोड़ा सा डिले हो रहा है। अभी हम मंडे को, क्योंकि कई कमेंट्स आए हैं इंस्टाग्राम पे भी और हमारे यूट्यूब पे भी, कि जो आपने दिखाया था कि मैं गिव अवे करने वाला हूँ 10 मशीन्स, आके रखी हुई हैं यहीं पर कहीं पर, मैंने मंगा ली हैं 10 मशीन्स। मंडे को करेंगे उसका गिव अवे, लाइव टेलीकास्ट दिखाएंगे आप लोगों को। तो आइए आज बात करते हैं हम, कुछ कमेंट्स आए थे कि सर नमक के ऊपर वीडियो बनाइए, तो नमक के ऊपर वीडियो है ये। अगर आप लोग को सेंधा नमक या काला नमक का बिजनेस करना है तो ये रैपर्स लेके आप लोग अपने मार्केट में जा सकते हो। कौन से रैपर्स हैं देख लो आप। ये है छोटा रैपर्स, 100 ग्राम इसमें आ जाएगा, और ये है बड़ा रैपर, 1 किलो इसके अंदर आ जाएगा। और ऐसा नहीं है कि आप ही दुनिया में नए पैदा होगे जो मार्केट में लेके जाओगे ये सेंधा नमक। इस तरीके का काला नमक का भी रैपर आता है, आप लोग ये रैपर्स लेके मार्केट में जा सकते हो और अपना खुद का काम शुरू कर सकते हो। करना क्या है आपको, इस तरीके के काला नमक और सेंधा नमक उठाना है, मार्केट में ऑलरेडी अवेलेबल है। आप देखो पैकिंग कितनी एकदम नॉर्मल सी पैकिंग है, आपको पैकिंग वाला नहीं उठाना, मैंने आपको ऐसे दिखाने के लिए मंगाया है। आपको क्या करना है, आपको उठाना है कट्टे का कट्टा, 20 किलो का, 50 किलो का। आप जाओगे होलसेल मार्केट में, वहाँ कट्टा मिल जाएगा आप लोगों को, वहाँ से लेके आओ, इन रैपर्स के अंदर भरो। भरना कितना आसान है मैं आप लोग को दिखाता हूँ। जैसे आप लोग लेके आओगे कट्टा, ये देखो ये नमक है हमारा। तो अब देखो क्या करना है आपको, 100-100 ग्राम की पैकिंग अगर करनी है तो इस तरीके का रैपर लेना है, और ये नमक आपको कट्टे का कट्टा मार्केट में मिल जाता है। ऐसे उठाना है आपको और भर लेना है इसमें। देखो कितना आसान है बिजनेस, मैं आप लोग को समझाता हूँ। एक वेट मशीन आपको लेना है और वेट मशीन पे वेट करना है। हो गया 110 ग्राम। अब इसको ऐसे पकड़ना है आपको, सीलिंग मशीन में लगाना है और ऐसे सील कर देना है। ये देखो ये 100 ग्राम का सेंधा नमक तैयार हो गया। अब इसके साथ क्या कर सकते हो आप, ये जब टाइम आता है नवरात्रों का और सावन का, जब आप में से बहुत सारे लोग व्रत रहते हैं, तो ये इस पर लिखा है व्रत का सेंधा नमक। जो व्रत वाले लोग होते हैं वो सेंधा नमक खाते हैं, वो नॉर्मल नमक नहीं खाते हैं, तो उस टाइम आपका ये बिक सकता है। और नॉर्मली भी बहुत सारे लोग इसका सेवन करते हैं, तो इसे आप बेच सकते हो। ऐसे ही आपको 1 किलो का पैक करना है, ये पूरा का पूरा पैकेट उठाओ, ये पूरा का पूरा पैकेट उठाओ और इसमें भर दो ऐसे। देखो ये देखो, ये जो बिल्कुल नॉर्मल पैकिंग थी, इसको ऐसे पकड़ो, इसमें कौन सा रॉकेट साइंस है, ऐसे पकड़िए इसको, इस पर लगाइए और सील कर दीजिए। ये हो गया 1 किलो का, ये हो गया 100 ग्राम का। ऐसे ही आप लोगों को जो भी चीज़ चाहिए इस दुनिया में, क्या आप पैक करके बेचना चाहते हैं, हर चीज़ का मार्केट में रैपर अवेलेबल है। अगर नहीं है तो यूनिवर्सल रैपर्स आते हैं जिसके अंदर कुछ नहीं लिखा होता है। और ज़रूरी नहीं कि आप दिल्ली से मंगाओगे, आप अपने आसपास से मंगाइए, आपके भी होलसेल मार्केट में ये सारे रैपर्स अवेलेबल होते हैं। बहुत अलग अलग तरीके के हैं, क्योंकि हर इंसान का अपना एक काम है, बिजनेस है। कोई रैपर ही बेच रहा है, कोई कैंडी बेच रहा है, कोई होलसेल में चाय की पत्ती बेच रहा है। आपको सिर्फ दिमाग लगा के हर जगह से चीज़ें कलेक्ट करनी है। जैसे अभी क्या होता है, जो बड़ी बड़ी मोबाइल, आपको लगता है कि ये ओप्पो अलग है, वीवो अलग है, माइक्रोमैक्स अलग है, ये इनके मदरबोर्ड सारे वहीं चाइना में कूड़े के रेट में बनाए जाते हैं, वहाँ से लोग उठाते हैं। कोई LCD अलग से उठाता है, मदरबोर्ड अलग से उठाता है, कैमरा अलग से उठाता है, यहाँ पे लाके बॉडी अपना बनाता है। सो जलावा वगैरह कंपनी है जो मेड इन इंडिया बोलते हैं। इंडिया में कोई सर्किट नहीं बनता है, सब चाइना से कट्टे में भर भर के लाते हैं, यहाँ पे असेंबल करते हैं, सिर्फ अपनी बॉडी ऊपर से कपड़ा पहना देते हैं।
वही कपड़ा आप लोगों को पहनाना है, चाय पत्ती कहीं और से उठाना है, नमक कहीं और से उठाना है, चीनी कहीं और से उठाना है, रैपर खुद का लेना है, पैक करना है इन मशीनों में, और आपका कपड़ा पहन के ब्रांड आपका हो गया। वो जो सारी बड़ी कंपनीज, आपको लगता है कि ये जो इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज, पूरा पूरा सुपर मार्केट इनका है, ये क्या उगा रहे हैं घर में, ये क्या चाय की पत्ती उगा रहे हैं या फिर चीनी बना रहे हैं, ये क्या ले रहे हैं, सब थर्ड पार्टी का खेल है। यहाँ से उठाते हैं, अपना रैपर लगाते हैं, अपने सुपर मार्केट में ऐसा सजा देते हैं। ड्राई फ्रूट की जो कंपनीज हैं, क्या ड्राई फ्रूट घर में उगा रही हैं, सब लेके आती हैं इधर से कश्मीर से, जहाँ पे ये उगाए जाते हैं वहाँ से, और घर के रैपर्स जो आपको मिल जाते हैं इजिली, अगर आप बड़ी कंपनी नहीं हो तो मार्केट से उठा के उसमें भरो और बन जाओ खुद का ब्रांड। दिमाग लगाओ आप लोग, ये दिमाग लगाने के लिए हर कोई आपको नहीं बताएगा, क्योंकि हर कोई सिर्फ अपने बारे में सोचता है। कुछ थोड़े लोग जो बहुत सारे दूसरे लोगों के बारे में सोचते हैं, उनके बातों को मानिए और उनके बताए हुए रास्ते पर चलने की कोशिश करिए। वो लोग जो लोग अभी सिर्फ सोच रहे हैं, ये करके देखो। आप सेंधा नमक तो मिल ही जाएगा ना आपके आसपास, ये रैपर हमसे ले लो, नहीं मिल रहा जाके खारी बावली से ले आओ खुद, और करना स्टार्ट करो आप लोग, देखो कितना मजा आएगा। आई होप आप लोग की बात मेरे समझ में आ रही हो। सिर्फ रैपर्स दिखाना मेरा काम नहीं है, आप लोग को रास्ता बताता हूँ कि ऐसे ऐसे कर सकते हो आप लोग, और सिर्फ ये रास्ता नहीं है, बहुत सारे रास्ते हैं। अभी आने वाले टाइम पे आप लोग को अलग अलग और तरीके दिखाएंगे, जरूरी नहीं है कि फूड से रिलेटेड तो मैं बता ही रहा हूँ आपको, अभी अदर भी दिखाएंगे। तो आप लोग लगे रहो, देखते रहो, मिलेंगे फिर ऐसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।